हेलो गाइस, ठीक है ना? ठीक है ना, अलग काट दी। हेलो गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ है मुबशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। मतलब इंडिया की 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज दिखाई गई है। तो यार देखते हैं मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज है, और इसमें से अगर कोई पढ़ता हुआ तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। तो जल्दी से यार देखते हैं वीडियो, टॉप 10 हिंदी का वीडियो। ओरिजिनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल मस्ट सब्सक्राइब करना, लाजमी मतलब सब्सक्राइब करना। ऐसा साउंड लगता है कि मत सब्सक्राइब करना, लाजमी करना। तो स्टार्ट, टॉप 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के युग में शिक्षित व्यक्ति ही सफल, सभ्य और प्रगतिशील होते हैं। सही बोल रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति और भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर भी निर्भर होती है। शिक्षित होकर हम एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। अच्छी शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। भारत में लगभग 800 विश्वविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ आपको उच्च कोटि की शिक्षा, प्रयोगशालाएं और सुविधाएं मिलती हैं। बल्कि आपको भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं भारत के 10 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। 10. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में स्थित एक विख्यात विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि 411 एकड़ में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय में 43 शैक्षिक विभाग मौजूद हैं। इसका नाम 19वीं सदी की एक महिला समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या आवासीय सुविधाएं हो या फिर खेलकूद संबंधी, सभी कैंपस द्वारा प्राप्त कराई जाती हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में 10वें पायदान पर है। 9. मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। मणिपाल उच्च शिक्षा संस्थान को मणिपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। मणिपाल उच्च शिक्षा संस्थान मणिपाल में मौजूद एक विशाल विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की शाखाएं भारत में ही नहीं बल्कि दुबई में भी मौजूद है। इसके कैंपस सिक्किम और जयपुर में भी मौजूद है। मणिपाल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आर्किटेक्चर, बेसिक्स और एडवांस साइंस, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करता है। मणिपाल विश्वविद्यालय को 2019 में NIRF द्वारा भारत में 9वीं रैंकिंग दी गई, जो इसे भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक बनाता है। इसका कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आवासीय स्थान, खेलकूद के मैदान और विशाल लाइब्रेरी मौजूद है। 8. अमृता विश्व विद्यापीठ। अमृता विश्व विद्यापीठ 2007 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ड्यूअल डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराने वाला एक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के 6 कैंपस और 15 विद्यालय मौजूद हैं। अमृता विश्व विद्यापीठ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को 2009 में NAAC द्वारा ए ग्रेड रैंकिंग दी गई थी, जिसका कारण कैंपस में मौजूद सुविधाएं, उच्च शिक्षा और विख्यात संस्थानों से संबंध था। इस विश्वविद्यालय को प्रथम बार 1994 में स्थापित किया गया था। अमृता विश्व विद्यापीठ में आपको बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग देश के उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा करवाई जाएगी। इसे 2019 में NAAC द्वारा भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में 8वें पायदान पर रखा गया है। 7. अन्ना विश्वविद्यालय। अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु में मौजूद एक और तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कैंपस चेन्नई के विंडी में मौजूद है और सैटेलाइट कैंपस चेन्नई के क्रोमपेट शहर में मौजूद है। अन्ना विश्वविद्यालय को 4 सितंबर 1978 को स्थापित किया गया था। अन्ना विश्वविद्यालय को 2019 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा इसे भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में 7वें पायदान पर रखा गया था, जो इस विश्वविद्यालय की बेहतर व्यवस्था और शिक्षा की वजह से है। अन्ना विश्वविद्यालय की एशिया में रैंकिंग 350 है और इंजीनियरिंग में ये 8वें पायदान पर है। अन्ना विश्वविद्यालय का खुद का टीवी चैनल भी मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, अन्ना विश्वविद्यालय ने देश को APJ अब्दुल कलाम और रवि रोइया जैसे कई महापुरुष दिए हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी।
जादवपुर विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित एक पब्लिक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी ये भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। जादवपुर विश्वविद्यालय एक आर्थिक विश्वविद्यालय है। कोलकाता शहर में जादवपुर विश्वविद्यालय के दो मुख्य कैंपस मौजूद हैं। पहला कैंपस जादवपुर में 58 एकड़ के क्षेत्र में बना है और दूसरा कैंपस सोल्ट लेक में मौजूद है, जो कि 26 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जादवपुर विश्वविद्यालय जेडी बिरला संस्थान और जादवपुर विद्यापीठ जैसी संस्थानों से जुड़ा हुआ है। इसे 2019 में NIRF द्वारा भारत का छठा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना गया है। पाँच, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। भारत के सबसे विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक है कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से मौजूद है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से होने के साथ साथ भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक भी है। कोलकाता में ही इसके 14 कैंपस मौजूद हैं, जिससे 136 कॉलेज संबंधित हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 2019 में NIRF द्वारा दी गई रैंकिंग में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टरल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एग्जाम को सफलतापूर्वक पास करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं, जिससे आप इस विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सफलता का अनुमान लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद विश्वविद्यालय का कैंपस 2300 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय को 1974 में अपनाया गया था और यहां आप बीटेक, एमबीए और पीएचडी की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के आवासीय कैंपस में 5000 विद्यार्थी और 400 कर्मचारी मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय के पार्क में 220 चिड़ियों की प्रजातियां, सरीसृप की 15 प्रजातियां और पेड़ पौधे की 730 प्रजातियां मौजूद हैं। हैदराबाद के विश्वविद्यालय का कैंपस 2300 एकड़ के क्षेत्रफल के साथ भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में काफी ऊंचे पायदान पर भी है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज और जीव विज्ञान की उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 40% अंक लाने होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मदन मोहन मालवीय और एन.ए. बेसानी द्वारा 1916 में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कारण ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को IIT की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसका मुख्य कैंपस 1350 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी कैंपस 2250 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय की 6 संस्थानों और 140 विभाग मौजूद हैं। यहाँ 62 मौजूद हैं, जिसमें हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। दो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भारत का एक जाना माना विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नई दिल्ली में मौजूद इस विश्वविद्यालय को 1969 में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1019 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक विशाल विश्वविद्यालय है। इसके साथ इस विश्वविद्यालय में 8400 विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ 600 से भी अधिक स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। यहाँ आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, कक्षाएं और खेल कूद के मैदान मौजूद हैं। पीएचडी की पढ़ाई के लिए जाना जाता है और ज्यादातर आपको यहाँ पीएचडी के विद्यार्थी ही मिलेंगे। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है। 2019 में भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में ये दूसरे स्थान पर था। एक, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर। हमारी सूची में पहले पायदान पर है बैंगलोर में मौजूद भारतीय वैज्ञानिक संस्थान। इस विश्वविद्यालय को 1909 में स्थापित किया गया था, जिसका समर्थन जमशेदजी टाटा और कृष्ण राज वडियार ने भी किया था। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बैंगलोर को विश्वविद्यालय का दर्जा 1958 में प्राप्त हुआ था और 2018 में इसे श्रेष्ठ भारतीय संस्थान का दर्जा भी दिया गया। इसके कैंपस में 40 से भी ज्यादा विभाग मौजूद हैं और ये 400 एकड़ से भी ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस द्वारा सभी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ शॉपिंग सेंटर, पार्क, खेल मैदान और आवासीय क्षेत्रफल मौजूद है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बैंगलोर में आप कई विषयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और पढ़ाई से जुड़ी ये जानकारी
संपूर्ण वीडियो अपने दोस्त और संबंधियों से शेयर जरूर करें। लाजमी कीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी यार, बताना इसमें इन यूनिवर्सिटी में कोई जाना चाह रहा है या मतलब कोई किसी ने अप्लाई किया है, मतलब कोई जाना भी चाह रहा है इधर, मतलब टेस्ट दिया है, टेस्ट वगैरह दिया है, बता सकते हो कमेंट में। तो ये भी बताने प्लान बन रहा है या मतलब जो इधर पढ़ रहा है ऑलरेडी, वो कोई बताना कमेंट सेक्शन में। जो पढ़ रहा होगा उसमें तो फ्राउड बन रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। कमाल की थी, बहुत मजे की वीडियो लगी मुझे भाई ने भेजी यार, कमाल की वीडियो बिल्कुल। और इतनी बड़े बड़े एक्ट्स पे मतलब इसकी यूनिवर्सिटियां फैली हुई है। 2000 का एक सेक्शन, 1900 का एक सेक्शन, मैं उस पे हाल हो रहा था यार। बंदा गाड़ी भी घूमेगा इधर, बड़ी बड़ी यार है। ये बेस्ट मानी जा रही है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया में। लॉग भी रही थी कितनी वीआईपी यार, मतलब काफी पुरानी भी थी और काफी टाइम से चली आ रही है, और इनका नाम होता है पूरे वर्ल्ड में, इनका नाम है एशिया में। बहुत जबरदस्त ये वाली यूनिवर्सिटी थी, जो मुझे यार काफी इनमें जान मतलब जानकर अच्छा लगा। आप बताना, तभी तो मुबशीर इंडिया एजुकेशन में आगे यार, एजुकेशन में इंडिया बहुत ज्यादा, अभी तो जीडीपी का 6% इंडिया में देने लगे हैं, और अभी तो आने वाले टाइम इंडिया और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा। और इस तरह जब जहरी बात में बोला है, और एजुकेशन में जिस तरह बंदा आगे वो कंट्री बढ़ेगा उसी तरह जितने लोग मतलब पढ़ेंगे उतना वो कंट्री तरक्की करेगा बिल्कुल। और ये किसी ने सही बोला था। तो यार बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यार, मतलब हमारे दंग रह गए। और वो एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वो चिड़ियों की प्रजातियां, हाँ और शॉपिंग पहले वाले में तो शॉपिंग वो भी खुला हुआ है भाई, लड़के शॉपिंग में जाके कर सकती है, उसमें काफी हमें शौक है, हमें शॉपिंग तो यार आप बताओ मतलब आपको कौन सा मतलब लगा है, कौन सी फेवरेट आपकी इसमें यूनिवर्सिटी है, तो आप लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, तो बाय।